बड़े भैया मतलब बुआ के बेटे की शादी थी आई थिंक उस टाइम में, तो सारे रिलेटिव जो है वो इकट्ठा हुए थे, और उसी दिन कहते हैं ना मजे लेना हो किसी को तो अच्छे से लिया जाता है उसका मजा, तो मेरा मजा उस दिन ऐसे ही लिया गया था कि मेरी बुआ के बेटे की शादी थी और उसी दिन रिजल्ट आया था कि नाइन, वो जो सप्लीमेंट्री वाली परीक्षा उसकी बात करो, उसका रिजल्ट आया था कि आप पास नहीं हुए, और तब मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार सब रिलेटिव जो है घर में है, हम छोटे होते हैं, इमोशनली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो मैं उस टाइम बहुत रोया था और मुझे बड़ा बुरा भी लगा था कि यार ये मतलब सप्लीमेंट्री की परीक्षा भी मैं पास नहीं कर पाया। तो उस टाइम मैंने एक्सेप्ट किया कि देखो मेन चीज़ यह है कि आपको अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि गलत है। पहले मुझे नहीं समझ में आ रहा था, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं कुछ करूंगा तो कैसे नंबर आएंगे, कैसे मैं पास होऊंगा, वहीं से जर्नी शुरू हुई। दूसरा जो मोमेंट था जो कि मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, काफ़ी लोगों को पता होगा कि जब मैं जिस गुरु के लिए, मैं अपने गुरु के लिए काम करता था, 4 साल उनके लिए काम किया था, और 4 साल के बाद जब उन्होंने मुझे कहा कि आप इस क्लास के लायक नहीं हो, आप कहीं और जाके बैठ जाओ, एक क्लास चलती थी वहाँ पर, वो दिन मेरे लिए सबसे उसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट, है ना। यदि वो किस्सा नहीं होता मेरी लाइफ में, वो दिन नहीं होता कि मेरे गुरु जो है जिस क्लास की बात कर रहा हूँ मैं उसमें से मुझे नहीं भगाते, उसको भगाना कहेंगे, लेकिन उनको कुछ सिखाया जा रहा था, वो मोटिवेशन के बारे में था कि लीडर कैसे बना जाता है, लीडरशिप क्या होती है, ये सब सिखाया जा रहा था, और मुझे बड़ा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, लेकिन मुझे सीखने नहीं दिया गया, मुझे कहा गया कि आप चले जाओ। उस दिन मैं बहुत रोया और मैंने कसम खा ली कि बस अब जो है लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ के दिखाना।